दमोह में माननीय न्यायालय के हस्तक्षेप के चलते 11 बालिकाओं को शिक्षा के अधिकार का संवैधानिक लाभ मिला है, जिसके कारण इन बालिकाओं के चेहरे पर मुस्कुराहट आई है और अभिभावक धन्यवाद दे रहे हैं। ज्ञात हो कि इन बालिकाओं को शिक्षा प्राप्ति में व्यवधान हो रहा था, जिसको लेकर जिला डायरेक्टर गोविंद यादव ने एक पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायाधीश ने 24 घंटे के अंदर बालिकाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाया। अभी ये शिक्षा का सत्र चल रहा है, जिसमें सभी बच्चों को एडमिशन मिलना अनिवार्य है, जो 1 तारीख से और 22 जुलाई तक चलेगा। कुछ बच्चों के साथ प्रॉब्लम हो रहा था, जैसे मैं एक उदाहरण बताना चाहूँगा। तारादेही स्कूल में एक बेटी के लिए 8वीं पास हो गई थी, पर उसको TC नहीं दी जा रही थी, उसको 7,000 रुपया मांगे जा रहे थे वो स्कूल प्रबंधन के द्वारा। तो वो हमने एक याचिका बनाई और माननीय न्यायाधीश महोदय के सामने हमने पेश की। जो मूलभूत हमारा संवैधानिक अधिकार में शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया है, और इसमें अभी 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक स्पेशल वो मनाया जा रहा है सप्ताह, बाल संवर्धन एवं संरक्षण दिवस के रूप में।